मैं स्कूल से आई हूँ अपनी छोटी बेटी को लेकर, और जो बड़ी बेटी है मेरी ही वो तो मैं गई थी उसके साथ, तो वो गाड़ी आया था तो वो गाड़ी पे चल, तो मैंने सोचा कि मैं आके कुकिंग कर लूँगी बाकी का। तो अभी सब्जी चढ़ी हुई है चूल्हे में और अभी तो थोड़ा रेस्ट कर लूँ क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ पूरा एकदम, बहुत बाहर में इतना धूप है मैं पूरा पसीना पसीना हो गई। जब से आए तो मैंने हड़बड़ी में निकल गई, मैं ग्रीन टी भी नहीं पिया मैंने, तो मैं अभी जा रही हूँ ग्रीन टी बनाने, ग्रीन टी पीऊँगी उसके बाद फिर छोटू को नहा के फिर हम लोग खाना उना खाएंगे। तो ये घर में अभी कार्टून चल रहा है, 1 बज रहे और अनन्या नहा कर अब खाना खा रही है और मैं दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या कुकिंग किया है। इसमें आलू पटल का भुजिया बनाया मैंने थोड़ा सा मसाला देकर, ये चावल है और इसमें है चिकन। अनन्या को खाना दे दिया है मैंने क्योंकि उसको बहुत जल्दी भूख लग जाता है जब उसका फेवरेट डिश बनता है। तो अनन्या अभी खाना खा रही है, तो चलिए मैं आप लोगों को ड्रेसिंग टेबल दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे ड्रेसिंग टेबल को कैसे मैं सजा के रखती हूँ। तो ये फूलदानी मैं मेला से ख़रीद के लाई थी, हमको अच्छा लगा, मेला वहाँ पे बैठता है हम लोग का दुर्गा पूजा में। और यहाँ इस रैक में मैंने डेली यूज़ के सब सामान में रखती हूँ, पाउडर तेल वगैरह और बाकी जो है जो डेली यूज़ होते हैं। और इसके ऊपर में एक फ्रेम है, वहाँ उसमें फ़ोटो है, हम लोग घूमने गए थे पूरी वहाँ का फ़ोटो है ये, और एक इस दीवार में भी है। और ये मैंने पापा का फ़ोटो लगा दिया है कांच का ऑपोजिट साइड में वहाँ से। अब मैं लॉक खोल देती हूँ क्योंकि लॉक करके रखती हूँ, बच्चे लोग हमेशा बिगाड़ देते हैं ये सब चीज़। और ये लॉक टूट गया था, बच्चों से ही टूटा था, तो फिर मैंने दुकान से ख़रीद के फिर मैं खुद से सेट किया, उतना परफेक्ट नहीं हुआ फिर भी मैंने जस्ट कर दिया, बस काम चल रहा है। अब मैं दिखा देती हूँ कि नीचे में जो है मैं चूड़ी वगैरह, वो रेलिंग में चूड़ी है और मेरी बड़ी बेटी का ब्रेसलेट सब है। और इस थाक में है ये स्किन केयर सब, जैसे सनस्क्रीन और बाकी जो है सीरम, फेस वॉश। और यहाँ पे मेकअप का सब सामान है, मेकअप तो कुछ खास है नहीं, मैं ब्रश है ये सब, ये फाउंडेशन लगाने का ब्रश है, मैं इसमें रखती हूँ ये छोटे से बैग में। ये 2 आई शेडो है और ये एक नई चीज़ है, मुझे नहीं पता था, ये मेरी बड़ी बेटी ने मुझे बोला कि ये कंसीलर है, जैसे फाउंडेशन लगाने से जैसे कि स्किन का जो भी दाग वगैरह छिप जाते हैं तो इससे भी हो जाते हैं। और इसमें लूज पाउडर है, इसमें भी है कॉम्पैक्ट थोड़ा सा है जस्ट। अब पूजा आएगा तो मैं पूजा में बहुत से ऐसा मेकअप ख़रीदूँगी अब, क्योंकि पूजा जो है ओकेजन हम लोग का जो दुर्गा पूजा होता है उस समय बहुत अच्छा अच्छा प्रोडक्ट आते हैं। अभी ऑफ सीज़न चल रहा है वो इसीलिए अभी कुछ नहीं खरीद पा रहे हैं। और इसमें ये बैग वगैरह है, इस बैग में बहुत सी अलग अलग चीज़ें मैंने करके रखी है ताकि आसानी से मिल जाए। ये एक सेट है, एक टोल, तो ये सब नेल पॉलिश, ये मैंने ये अभी मैंने लगाया है देखिए। और इसमें ये बिंदी, ये गार्डर क्लिप बच्चों की, ये सब है सब कुछ। और इसमें चूड़ी है जो मिक्स एंड मैच में करके पहनती हूँ, कांच की चूड़ी के साथ शादी उदी होती है तो ये सब अलग अलग करके रखती हूँ क्योंकि सब वर्क किया हुआ बैंगल्स है सब। ये सिटी गोल्ड का है और ये 2 मंगलसूत्र हैं और इसमें है इयर रिंग सारे।
मेरा बहुत ही साड़ी के साथ मैचिंग जो ज्वेलरी होती है वो बहुत कम है। मैं ज़्यादातर सिंपल मंगलसूत्र पहन लेती हूँ और इयररिंग जो होता है वो मैच करके पहन लेती हूँ। बैग बहुत ही अच्छा है, इसमें आप अलग अलग सामान अच्छे से रख सकते हो। वगैरह मैं कर लेती हूँ। इस ड्रायर में कंघी और ये सब है, गार्टर चूल बांधने का, और ये एक रैक है जो दूसरा सामान है। कंघी तो फिलहाल है नहीं, अभी जो जहाँ पाते हैं वहीं पे बाल झाड़ के रख देते हैं, तो फिर ढूंढ के रखने पड़ते हैं। इसमें गार्डर है सारा वगैरह, और इसमें ये मास्क है, सूता, ये मेरा स्ट्रेटनर है बालों का, और इसमें उतना कुछ खास नहीं है, सब एक्स्ट्रा दवाई उवाई ऑइंटमेंट बाकी सब इसमें रखती हूँ उस बैग में। कैफिन का मैंने वो खरीदा था, और इसमें चूड़ी है, एक वर्क किया हुआ साड़ी है उसका मैचिंग मैंने एक शादी में खरीदी थी 2-3 साल पहले। तो देखा आप लोगों ने, मैं ऐसे ही अपना ड्रेसिंग टेबल सजा के रखती हूँ, और बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आप किसी कंटेनर ले लो, या जैसा मैंने अभी एक सेट दिखाया था बैग का, उसमें अलग अलग चीज़ें था। मेरा जो मंदिर है उसमें जो ठाकुर जी के कपड़े हैं मैंने वो भी वैसे ही सजा के रखा है, उसका भी मैं ब्लॉग आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं अपना ठाकुर जी के मंदिर कैसे सजा के रखा है मैंने। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, और अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय।